नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। आईपीएल ऑक्शन शुरू होने वाला है और कई तरह की सरप्राइजिंग और शॉकिंग खबरें सामने आने वाली है, पर उससे पहले भी एक खबर सामने आई है मुंबई इंडियंस परिवार की तरफ से। वो खबर ये है कि मुंबई इंडियंस के नए कप्तान के रूप में अफगानिस्तान का स्टार खिलाड़ी राशिद खान को बना दिया गया है। वैसे आपको ज्यादा सोचने पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राशिद खान को कप्तान तो बनाया गया है, मगर आईपीएल में 5 बार की चैंपियन रही मुंबई इंडियंस का नहीं, बल्कि नए लीग की शुरुआत होने वाली टीम मुंबई इंडियंस केप टाउन की। जी हाँ, अगले साल जनवरी में ही 2 नए लीग की शुरुआत होने जा रही है। पहला है साउथ अफ्रीका लीग, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी को होगी, और दूसरा है इंटरनेशनल लीग, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होगी। राशिद खान को मुंबई इंडियंस केप टाउन ने खरीदा है। इसमें राशिद खान के अलावा कसीगो रवाडा, डोवाल्ड ब्रेविस, सैम करन, लियम लिविंगस्टोन जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हैं। साउथ अफ्रीका लीग में 6 टीमें इस बार खेलने वाली हैं, जिसमें पूरे 33 मुकाबले खेले जाएंगे और इस पहले सीजन का अंत 11 फरवरी को होगा। साउथ अफ्रीका लीग में जो भी 6 टीमें हैं, उन्हें भारतीय आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा ही खरीदा गया है, जिसका मतलब है कि सभी टीम के मालिक भारतीय मूल के ही। जैसे कि आप सबको पता है कि मुंबई इंडियंस को रिलायंस ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है और रिलायंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी। वहीं इसके अलावा जोहान्सबर्ग सुपर लीग के मालिक भी आईपीएल में खेलने वाली टीम सीएसके की है। तीसरी टीम पाल रॉयल के ओनर हैं राजस्थान रॉयल्स के मालिक। चौथी टीम प्रोटिया कैपिटल के मालिक हैं दिल्ली कैपिटल्स। सनराइजर्स हैदराबाद ग्रुप मालिक हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के। वहीं अंतिम जो टीम है डरबन सुपर जायंट, उसके मालिक हैं 2022 के आईपीएल में भी डेब्यू करने वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक। वहीं साउथ अफ्रीका लीग के पहले सीजन के पहले दिन यानी कि 10 जनवरी को मुंबई इंडियंस केप टाउन और पाल रॉयल के बीच मुकाबला खेला जाएगा। पाल रॉयल के कप्तान साउथ अफ्रीका के शानदार बल्लेबाज डेविड मिलर हैं। दिलचस्प बात यह है कि राशिद खान और डेविड मिलर दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल की वर्तमान चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। गुजरात टाइटंस को पहली बार आईपीएल के 15वें सीजन 2022 में जोड़ा गया था। इस टीम के कप्तान भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने पहली बार नई नवेली टीम का कप्तान बनते ही आईपीएल की ट्रॉफी दिला दी। वहीं मुंबई इंडियंस परिवार ने इंटरनेशनल टी20 लीग में भी अपनी टीम को उतारा है। इस लीग में मुंबई की टीम मुंबई इंडियंस एमिरेट के नाम से जानी जाएगी। मुंबई ने इस लीग में किरण पोलार्ड को टीम का कप्तान बनाया है। किरण पोलार्ड 2023 से भले ही आईपीएल में नजर नहीं आएंगे, मगर वो दुबई में होने वाली इंटरनेशनल टी20 लीग में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि राशिद खान और किरण पोलार्ड के कप्तानी का अनुभव है। राशिद खान अपने देश अफगानिस्तान के लिए 2 टेस्ट मैचों में और साथ साथ वनडे और टी20 मुकाबले में कप्तानी की है। वहीं उन्होंने इस साल 2022 में अपनी आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के लिए भी 1 मुकाबले में कप्तानी की थी। वहीं दूसरी तरफ किरण पोलार्ड भी अपने देश वेस्टइंडीज़ के 24 वनडे, 34 टी20 और 6 आईपीएल मुकाबले में कप्तानी की है। तो इस अनुभव का भी दोनों खिलाड़ी अपनी टीम और अपने परिवार के लिए उपयोग करेंगे। वहीं आपको क्या लगता है, राशिद खान और किरण पोलार्ड एक सफल कप्तान के रूप में साबित होंगे? आपका जवाब जो भी हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी क्रिकेट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।